हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन 15 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में आता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर चलें तो इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर पीछे के एक सप्ताह में इस स्टॉक में 2.5% के करीबन गिरावट देखने को मिली है और एक महीने में इस स्टॉक में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 3 महीने में इस स्टॉक में 9% के करीबन गिरावट देखने को मिली है, तो 6 महीने में इस स्टॉक में 4% और 1 साल में इस स्टॉक में 26% की तेजी देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव रिटर्न दिखाता हुआ नजर आ रहा है, पर शॉर्ट टर्म में देखें तो इस स्टॉक में पीछे के 3 महीने से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बनता हुआ नजर आया अराउंड 92 रुपीज का। 92 रुपीज का इस पॉइंट पे इस स्टॉक में एक हाई बना, जहां पर कंपनी ने एक डिविडेंड देते हुए नजर आई अराउंड 11 रुपए का। उसके बाद भी देखें तो इस स्टॉक में नीचे की एक गिरावट देखने को मिली है, जहां पर अब इस स्टॉक का नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 72 रुपीज। 72 रुपीज के इस स्टॉक में इस पॉइंट पर एक नीचे का लो बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां से इस स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलाएगा। और अब देखें तो ये स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहेगा, जहां पर इस स्टॉक को ऊपर का एक हाई बनता हुआ नजर आया अराउंड 81 रुपीज। 81 रुपीज के इस स्टॉक में ऊपर का एक हाई है और नीचे का लो बनता हुआ नजर आ रहा है 73 रुपीज। ये स्टॉक इसके बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजिशन बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अराउंड 72 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 85 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाते चाहते हैं तो अराउंड 76 रुपीज के शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 84 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।